अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम विजय अमानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं। मेरा नाम इस्मान कुरैशी, वेलकम टू ओवर। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वेलकम टू, ये ओवर तो सुनाई दे रहे, ये चैनल कहाँ गया, खा गए। वेलकम टू ओवर तो सो व्यूअर्स, देखिए ये चैनल कहाँ गया, बोले ना चैनल कहाँ गया। यार इनको मसी को सूझी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं। मेरा नाम इस्मान कुरैशी, वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, दिस वीडियो टाइटल इज हैदराबाद 2.0 इंटरनेशनल सिटी न्यू भारत इंडिया ड्राइविंग 4 के व्यू है भाई। तो भाई ये वीडियो बहुत जबरदस्त, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे भाई इसके वीडियो के ऊपर रिएक्ट ले और ले और ले और ले। तो भाई आज उनकी मोहब्बत, उनके प्यार, उनके एक बहुत ही अपनेपन, खलूस और अपनी चाहत की वजह से ये वीडियो लेकर आ गए। तो इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं। हैदराबाद के बारे में बताना चाहता हूँ, हैदराबाद चार मीनार बहुत फेमस है, हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद की हलीम, कौन सी चाय जी, वाह जी सुलमानी चाय, सुलमानी चाय, और मेरा नाम की बिस्किट भी है ना, उस्मानिया बिस्किट, ठीक है। और साथ साथ बात करते हैं निजामों की सिटी है, ठीक है, द सिटी ऑफ पल्स इसको कहते हैं। तो भाई इस सिटी का व्यू दिन का कैसा है, होप आप लोगों को बहुत जबरदस्त है। गूगल अमेजोन के हेड ऑफिस है वहाँ पर, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1 प्ले। ये जो पहाड़ों के बीच में जो व्यू है ना, ये मुझे दिल को छूता है यार। हाईटेक सिटी है भाई, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई है हैदराबाद में। टेक्नोलॉजी हब हाउसिंग है भाई। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, फेसबुक, एप्पल, वाओ, एप्पल का भी हेड ऑफिस इंडिया में अब स्टार्ट हो गया है कुल, बल्कि इंडिया में तो पुराना ही था। हमें तो यहाँ पे एप्पल की ब्रांचेस नजर नहीं आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिटी ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे पता क्या ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि ये जो है ना, मतलब देखा जाए तो बिल्कुल एक न्यूयॉर्क सिटी, लंदन की सिटी, यू नो यार, बिल्कुल एक स्टार्टअप से ही वो ऐसा, मुझे नहीं लग रहा कि ये एशिया, मतलब एशिया की कंट्री, इंडिया की सिटी है भाई ये। यार ऐसा नहीं लग रहा कि ये बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्री का एरिया लग रहा है ना। सिर्फ ये गाड़ियों की वजह से, बाइक्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि इंडिया है, लेकिन अगर बिल्डिंग्स की वजह से देखा जाए तो ये इंडिया नहीं लग रहा है। ऐसा वही बात है, इमेजिन वाला मेक किया है, है ना?
सिर्फ ये गाड़ियों की वजह से, बाइक्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि इंडिया है, लेकिन अगर बिल्डिंग्स की वजह से देखा जाए तो ये इंडिया नहीं लग रहा है। ऐसा वही बात है, इमेजिन वाला मेक किया है ना? मतलब यार हैदराबाद को एक वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। हमने हैदराबाद के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन किए थे, मतलब जब हमने वीडियो स्टार्टअप लिया था अपने चैनल का, तो भी हमने पहली दूसरी वीडियो जो थी वो हैदराबाद के ऊपर ही की थी और बहुत प्यार मिला था हैदराबाद वालों की तरफ से। हैदराबाद के लोगों की बात करते तो बहुत प्यार है उनके अंदर, बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत अपनाइत है उनके अंदर, बहुत मोहब्बत है उनके अंदर। हैदराबाद के लोग जो हैं वो सच्चे दिल के लोग हैं, दिल से मोहब्बत करते, दिल से प्यार करते, क्योंकि हैदराबाद का जो एक
भाई खलूस है उनका, उनकी मेहमान नवाजी पूरे दुनिया में छाई हुई है। मतलब हैदराबाद और लाहौर के लोग जो हैं वो जिंदा दिलाने लोग हैं, हैदराबाद इंडिया और लाहौर पाकिस्तान के जो लोग हैं, इन दोनों की जो मेहमान नवाजी है वो उसकी फ़ैन पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई हैदराबाद जैसे मेहमान नवाज लोग, खलूस वाले लोग, खिलाने पिलाने लोग और लाहौर के जो लोग हैं इन जैसे लोग कहीं भी नहीं है। मतलब हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में चार मीनार बहुत मशहूर है, हैदराबाद के खानों की बात करते हैं तो हैदराबाद में खाने आपको पता है कि हलीम बहुत फेवरेट है, बीफ नहारी बहुत फेवरेट है। मैं बार बार बीफ बोल रहा हूँ तो लोग घबरा ना जाए, क्योंकि बीफ एक फूड है और फूड पूरी दुनिया में बिकता है, बीफ खाने के लिए हलाल है, पूरी दुनिया खा रही है। एक दो लोगों के कहने से, गौ रक्षस के कहने से उस चीज़ को चेंज नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि साइंस कहती है कि बीफ खाओ उसके अंदर आपको आयरन मिलता है, मतलब पावर मिलती है, इवन मतलब प्रोटीन वगैरह मिलता है। और बिल्कुल चिकन भी तो खाते हैं, वो भी चिकन भी तो खाते हैं भाई, मीट है क्यों भाई उसको पसंद नहीं फरमाते। अब ये ना हो कि चिकन रक्षक भी निकला है कुछ टाइम बाद यार। चले जी बात करते हैं वीडियो के ऊपर, तो वीडियो यार अगर चिकन रक्षक निकला है तो भाई मैं तो कहता हूँ चाइना जाओ, क्योंकि चाइना में तो मैं सुबह दोपहर शाम नाश्ते में खाने में रात के सोने में, और वो भी चिकन के साथ सोते हैं, सुबह उसकी गर्दन दबा के गड़प करके खा जाते। तो यार बात वो कर रहा हूँ कि हैदराबाद के अंदर हलीम की देखा जाए तो भाई मोस्ट फेवरेट है, और तू हैदराबाद ना आए और बिरयानी तूने ना खाई तो क्या खाक हैदराबाद आया यार तू। हाँ ज़बरदस्त जी, हम मेरा तो दिल चाहता है हैदराबाद जाके एक बड़ा सा थाल मंगवाई लेते हैं। क्या जी थाल का नाम था एक, वो बड़ा एक फेमस थाल था, शाही थाल जिसमें हलीम भी थी, बिरयानी थी। नहीं नहीं शाही थाल था, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, शाही थाल था, उसमें बिरयानी थी, हलीम थी और बड़ा बड़ा कुछ था, पापड़ी खीर वगैरह, एंड में मीठे में जर्दा शाही टुकड़े, इस तरह की चीज थी बड़ा। और था भी मेरा ख्याल है 99 का था, मेरा मतलब 999 रुपीज के अराउंड था Only? जी, और हैदराबाद की आप देखें बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, मतलब एक हब बन चुका है अमेज़ॉन का, एप्पल का, ठीक है, और साथ साथ बात करें गूगल का, ठीक है, ये उनके हब बन चुके हैं, फैक्ट्री, हाईटेक सिटी है भाई हैदराबाद। हैदराबाद की तो जितनी तारीफ की जगह, मतलब ओल्डेस्ट सिटीज़ की में लेकर आए, निज़ामों की सिटीज़ की बात करें या हाईटेक सिटीज़ की बात करें या इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें या एक बड़े बड़े हब बन चुका हैदराबाद, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब हैदराबाद को आप देखें कि हैदराबाद क्या था और आज क्या से क्या हो चुका है, हैदराबाद कितनी बुलंदियों पे हो गया, मतलब कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, रोड इस तरह के लगते हैं कि भाई आउट ऑफ कंट्री का एरिया लगता है, ऐसा लगता है कि ये मतलब इंडिया का शहर नहीं लगता है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल सिटी अगर उन लोगों ने लिखा तो डेफिनेटली बिल्कुल सही लगा, क्योंकि वाकई इंटरनेशनल सिटी लुक लगती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं या तो न्यूयॉर्क वीडियो को देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मतलब लंदन सिटीज़ को देख रहा हूँ जिधर मिस्टर बीन फिरता था ना, सेम लुक लाइक, देखो इधर की बिल्डिंग, इधर की रोड इतने नीट है, मतलब जो वीडियो का स्टार्टअप हुआ था तो वो वजह से मैं देख रहा था कि यार वो जो व्यू था ना वो दिल कर रहा था कि भाई मेरा अगर मेरी ख्वाहिश होती मैं वहाँ पर होता तो लाजमी वहाँ पर लाजमी जाता यार। यार एक और बात कहूँ, यहाँ पर ड्राइविंग करने का बहुत ही यार रोड देखो कितनी क्लीन है, ये जो गाड़ियाँ और बाइक जो चल रहे हैं इनकी वजह से पता चल रहा है कि यह इंडिया का सिटी है, नहीं तो अगर वीडियो अगर ऐसे साइड पर बनती रहे ना, मतलब कार वगैरह ना आए तो जज नहीं कर सकता कि इंडिया का शहर वो कि कौन सा सिटी है, और यहाँ पे ड्राइव इस रोड पे करना तो बहुत ही इजी है, क्यों कि ये रोड कितनी क्लीन बनाई हुई है इन्होंने, कितना नीटनेस दिखाई है और नीटनेस लग भी रही है ना, क्लीनेस सिटी भी लग रहा है, इसको भी लिखना चाहिए था आगे क्लीनेस सिटी। सो न्यू भारत इंडिया ड्राइविंग, और मैं देखा ड्राइविंग की बात आई है ना कि नहीं आई, आई है ना, आई है कि नहीं आई है, ड्राइविंग करने का बहुत मजा है। व्यूअर्स एक बात कहना चाहता हूँ आखिरी में, वुमेन्स, कोई व्यूअर कह रहा था आप अपनी वुमेन की जो है ना बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट नहीं मैंने इंसल्ट का की है, मैंने तो कहा है वुमेन्स, आप ऐसी बात करते हैं मतलब हैदराबाद की बात करते हैं, छोड़े यार ये तो सीधी हो जाएगी, मतलब हैदराबाद की बात करते हैं भाई, हैदराबाद की बात करते हैं, इंडिया का बहुत ब्यूटीफुल सिटी, और मुझे हैदराबाद से प्यार पता क्यों है, क्योंकि हैदराबाद के जो MNA हैं वो हमारे आपके और हर किसी के फेवरेट असदुद्दीन साहब है, वैसे ब्रदर्स हैं। मतलब असदुद्दीन साहब की बात करें तो भाई तारीफ कहाँ से करें, कहाँ स्टार्ट करें, कहाँ शुरू कहाँ पकड़े, मतलब हैदराबाद की बात अगर आ गई तो भाई हमारे शहजादे, हमारे दिलों के चाहने वाले, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार अगर कोई है तो असदुद्दीन साहब हैं। और इनकी खुल के तारीफ सुनना चाहे तो इमरान प्रताप गरी से सुने, जो इनके लफ्जों में बयान करते हैं ना, तो बहुत जबरदस्त वीडियो थी यार, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, कुछ कहना चाहते कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, भर दे अपने प्यार से और अपनी फरमाइशों से फरमाइशें यहाँ क्या मुशायरा हो रहा है, नहीं वो करते हैं ना लोग कहते हैं इस वीडियो अच्छा वो रिक्वेस्ट इसी बात कर रहे हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत खेल रखे हम दोनों, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।